होगा, डे के बारे में नहीं होगा। एक्चुअली मेन इसका कंसेप्ट है कि ये सारे अपने में इंटरचेंज है, अपने में सारे ये डेली अगर ये हम अपने रूटीन लाइफ में ला। काजमी है और मैं डिग्री कॉलेज भुज से हूँ। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि आज 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ अलग अलग स्कूल से कॉलेजेस से यहाँ पे बच्चे इकट्ठे हुए। बारिश होने के बावजूद भी यहाँ इतने सारे लोग आए हुए और अंदर योगा की प्रैक्टिस वगैरह हो रही है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। फिजिकल टीचर्स आए हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि योगा हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रैक्टिकली करके दिखाया जा रहा है योगा की आसन वगैरह। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पुंछ के अंदर ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी जा रही है तो ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है और इससे एवोल्यूशन का जो है ये बहुत बड़ा जरिया भी है। मुल्क की तरह आज ज़िला पुंछ में भी इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं पूरी आवाम को 10th इंटरनेशनल योगा डे की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और योगा जो है वो मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक दिन नहीं, मुझे लग रहा है कि साल के पूरे दिन होनी चाहिए और ये इसमें जनरल आदमी फिट रहता है, फिटनेस अपनी ठीक रहती है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके सारे डिपार्टमेंट्स को जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया हुआ था। और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ बारिश के बावजूद भी इतनी बड़ी गैदरिंग होना, इतने लोगों का पहुँचना बहुत बड़ी बात थी, और इसकी मुबारकबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और एक बार फिर मैं आपकी विसादत से पूरी आवाम को इंटरनेशनल योगा डे की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया।